मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ। मुझे बापूजी से दीक्षा लिए हुए 13 वर्ष हो गए, तो पता चला कि कैसे चापलूस चमचों के चक्कर में आकर हम अपने प्यारे बापूजी से ही, जो जेल मंदिर में होते हुए भी हमारी गलतियों को सुधार कर हमारी साधना, हमें अपने साधना के मार्ग में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनसे ही हम झूठ कपट और बेईमानी करने से नहीं चूक रहे। बापूजी ने हमें बताया कि गुरु परिवार गुरु के देह से जन्मे संतान तक या उनकी धर्म पत्नी तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वास्तव में बापूजी से दीक्षित जितने भी साधक भाई बहने हैं वे ही वास्तव में बापूजी के संपूर्ण परिवार हैं। लेकिन कुछ लोग गुरु के देह से जुड़े हुए परिवार को ही गुरु परिवार मानकर उनमें गुरु की तरह श्रद्धा रखते हैं। हमें गुरु परिवार में आदर रखना अच्छी बात है, लेकिन बापूजी की आज्ञा को ही वास्तव में हमें सब कुछ मानना चाहिए। चापलूस चमचों के चक्कर में आकर मैया जी ने भी बापूजी से झूठ बोला, ये सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और पीड़ा हुई। बापूजी ने हमें हमेशा आदर धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया है। हम आश्रम में स्वयं देखते हैं कि कैसे आदर्श सेवा कार्यों में साधकों के पैसों को लगाया जाता है, चाहे वो गौ सेवा हो या फिर गरीब में वस्त्र मकान आदि बनाकर वितरण करने की सेवा हो, ये सब सेवाएँ सम्पन्न होती आई हैं। बापूजी के आदर्शों पर ना चलकर धर्म के पैसों को अपने मौज मजे और मस्ती के लिए जो उपयोग कर रहे हैं उनकी क्या दशा होगी तो बापूजी ही जाने। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि बापूजी की आज्ञा पर ही हम सभी चलें और ऐसे चापलूस चमचों के चक्कर में ना आकर उनसे सावधान रहें और बापूजी के सेवा कार्यों में तन मन धन से लगे रहें। सोशल मीडिया के द्वारा भी बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर और आश्रम मैनेजमेंट के बारे में गलत खबरें फैलाकर साधकों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि साधकों को सीमित गुरु परिवार से ही जोड़ दिया जाए और आश्रम की छवि खराब करके और बापूजी में हमारी एक निष्ठा को खंडित कर दिया जाए। हम सभी साधकों का यही कर्तव्य है। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम सभी को बापूजी के आज्ञा में ही चलना चाहिए और बापूजी के जो आश्रमों के द्वारा जो भी सेवा कार्य हो रहे हैं उसमें हमें तन मन धन से लगे रहना चाहिए और जो ये सीमित गुरु परिवार द्वारा हमें भ्रमित किया जा रहा है उससे हमें बचना चाहिए। हरिओम।